नमस्ते गाइस, आज शेयर करने वाली हूँ ये इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक। और ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होने के साथ साथ स्वेट प्रूफ मेकअप होगा। यस, और ये जो लुक है ना पूरा, ये बहुत ही सिंपल एंड इजी एंड एफर्टलेसली आप क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी गाइस। इजी आई मेकअप के साथ साथ हमारा मेकअप बेस भी बहुत ही लाइट होने वाला है, जो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों के लिए परफेक्ट एप्रोप्रिएट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप शुरू करने के पहले करेंगे स्किन केयर। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे एक्ने के मार्क्स, मेरे एक्टिव एक्ने आने बंद हो गए हैं, बट अभी भी एक्ने के मार्क्स है, बट हम उसे हाइड करेंगे परफेक्टली। पहले स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं स्किन केयर। ऑयली स्किन है तो अरोमा मैजिक का ऑल फ्री टोनर अप्लाई किया है, उसे कम्प्लीटली ड्राई होने दिया है, देन अप्लाई करूंगी अरोमा मैजिक का ऑल फ्री मॉइस्चराइजर। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, तो अच्छे से मसाज किया है जिससे स्किन में ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फेशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगी। देन अप्लाई करना है आपको सनस्क्रीन गाइज, क्योंकि अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन बहुत मस्ट है। SPF 30 के अबव आपका सनस्क्रीन होना चाहिए। मैं यहाँ एक्वालॉजी का विटामिन सी ग्लो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, जो SPF 50 के साथ आता है। मैं बहुत ज्यादा सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, इससे मुझे स्वेटिंग होने लगता है, तो मैं 5-6 डॉट अप्लाई करती हूँ, इतना इनफ होता है मेरे लिए। और ये हाइड्रेशन वाला सनस्क्रीन है तो सुपर हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है तो एक प्राइमर तो लगाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ, जो जेल प्राइमर है, और ये आपके फाइन लाइन, ओपन पोर्स एंड स्किन के टेक्सचर को तो स्मूथ करता ही है, साथ ही साथ आपके मेकअप बेस को भी स्टिक करके रखता है, जिससे वो लॉन्ग लास्ट स्टे करे। मैंने यहाँ बहुत थोड़ा सा प्राइमर लिया है, हमें ज्यादा प्राइमर भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये हमारे फेस के कैनवस को स्लिपी बना देता है, जिससे हमारा मेकअप खराब भी हो सकता है। पहले मैंने अपने फेस के फाइन लाइंस, ओपन पोर्स एरियाज एंड टी जोन पर प्राइमर अप्लाई किया है, उसके बाद जो भी हाथों में रेस्ट बचे होंगे मैं उसे पूरे चेहरे पर स्मूथली अप्लाई कर लूंगी। क्योंकि आज हम अपना मेकअप बेस लाइट रखने वाले हैं, तो कोई भी कलर करेक्टर का यूज मैं यहाँ नहीं करूंगी। ये इनसाइड का कंसीलर पैलेट है और इसमें से मैंने सबसे डार्क शेड को पिक किया है। अपने डार्क सर्कल एंड अनइवन स्किन टोन को इवन करने के लिए मैंने हाथों पर बहुत ही थोड़ा सा लिया है और उसे हल्का सा वार्म किया है। इसी के हेल्प से हम अपने स्किन के दाग धब्बों और डार्क सर्कल्स को इवन टोन करने वाले हैं। ये स्टेप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के हमारा मेकअप जो है ग्रे ना हो। हम कलर करेक्टर का यूज करते हैं और आप चाहे तो अपने स्किन टोन से डार्क कंसीलर का भी यूज कर सकते हैं, अपने डार्क सर्कल्स एंड अनइवन स्किन टोन को कैंसिल आउट करने के लिए। जब हम कलर करेक्टर लगाते हैं तो उसे हाइड करने के लिए हमें ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ता है, बट जब हम एक दो शेड डार्कर कंसीलर यूज करते हैं तो वो इजीली हाइड हो जाते हैं, हमें ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता है, तो हमारा मेकअप बेस हैवी नहीं होता है। तो अगर आप लाइट मेकअप बेस करना चाहते हैं तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। फिंगर का यूज किया है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब आप फिंगर्स का यूज करते हो तो कम प्रोडक्ट में आपको ज्यादा कवरेज मिलता है। टैप टैप करते हुए इसे ब्लेंड कर रही हूं, आप देख सकते हो मेरे एक्ने के मार्क्स वगैरह कितना इजीली हाइड हो गया। मैंने प्रोडक्ट भी बहुत ही थोड़ा सा लिया था, वैसे भी इनसाइड का कंसीलर पैलेट बहुत ही अच्छा है, सुपर ब्लेंडेबल है स्किन पर, थोड़े से में यू गेट द रिजल्ट। अभी मेरा फेस ऑलमोस्ट इवन टोन हो चुका है, अभी मुझे बहुत ही थोड़ी सी फाउंडेशन की जरूरत होगी अपने मेकअप बेस को फ्लॉलेस फिनिशिंग देने के लिए। नाइका स्किन शील्ड फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जो डीप हाइड्रेशन के साथ साथ मैट फिनिशिंग देता है, जिससे स्किन ड्राई नहीं लगती। यहाँ मैं दो शेड का यूज करने वाली हूँ, बट बिफोर यूज मैंने बॉटल को शेक कर लिया है, ये थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं गाइज। तो यहाँ मैंने दो शेड लिया है, एक लाइट है, दूसरा शेड डार्क है, बट दोनों का अंडरटोन वार्म है, क्योंकि मेरा खुद का स्किन येल्लो वार्म अंडरटोन में आता है। तो जब दो शेड होता है ना आपके पास, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेकअप कर सकते हो। लाइक दिन में अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकअप किया और रात में अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर मेकअप कर लिया। तो यहाँ मैं डे टाइम का लाइट मेकअप बेस कर रही हूँ, जो मेरी स्किन टोन से बिल्कुल ओवर नहीं दिखेगा गाइज। आप देख सकते हो फाउंडेशन का शेड बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे स्किन टोन से। नाइका स्किन शील्ड फाउंडेशन इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद आपको स्वेट तो होगा बट फाउंडेशन निकलता नहीं है, अगर आप इसे अच्छे से सेट कर लेते हो तो। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। आपने देखा मैंने बहुत ही थोड़ा ही फाउंडेशन लिया था और मैंने सिर्फ उतना ही अप्लाई किया था जितना मैंने लिया था, और जो भी हाथों में बचा था मैंने उसे अपने एक्ने मार्क्स के ऊपर अप्लाई कर लिया, दैट्स इट। पहले कंसील करने का यही फायदा है कि आपको फाउंडेशन कम अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट मेबलिन फिटमी का कंसीलर यूज कर रही हूँ फेस को हाईलाइट करने के लिए। मैंने अपने अपर आईलिड में कोई भी प्रोडक्ट पहले यूज नहीं किया है, ना ही फाउंडेशन ना ही कंसीलर, तो अच्छे से वहाँ पे लाइटर कंसीलर यूज कर रही हूँ, जिससे आई शेडोज अच्छे से ब्लेंड हो, उनके कलर अच्छे से निकल कर आए।
हाइलाइटिंग करने के लिए कंसीलर भी मैंने बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई किया है। जब आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके उसे ब्लेंड करते हो ना तो स्किन पर अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो जब भी मैं ज़्यादा प्रोडक्ट गलती से अप्लाई कर लेती हूँ ना तो बड़ा ही मैस हो जाता है उसे ठीक करने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि कम प्रोडक्ट लो, उसे ब्लेंड कर लो, उसके बाद दोबारा अप्लाई करो अगर ज़रूरत है तो। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है ना, आप चाहते हो कि आपका मेकअप स्वेट प्रूफ हो, तो आपको वैसे भी पोर्स की लेयर कम से कम लगानी चाहिए। जितना हैवी बेस होगा उतना ही आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगी। कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया, अब अप्लाई करूंगी क्रीम ब्लश। यहाँ मैं प्लम का लिप एंड चिक टिंट अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद अप्लाई करेंगे हम क्रीम ब्लश। यहाँ मैं प्लम का लिप एंड चिक टिंट अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा प्रोडक्ट ब्रश पर लिया है, उसे बैक ऑफ द हैंड ब्लेंड कर लिया है जिससे मेरे चेहरे पर ज्यादा प्रोडक्ट न लगे। अदरवाइज अगर क्रीम ब्लश ज्यादा लग जाए ना तो बहुत ही मैसी हो जाता है, उसे ठीक करने में बहुत ही एफर्ट जाता है। तो यस, बट जो फिनिशिंग क्रीम ब्लश से आती है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है, बेटर देन पाउडर ब्लश, एंड बहुत ही नेचुरल वाली फिनिशिंग आती है। तो मैंने थोड़ा सा ब्लश नोज पर एंड चिन पर भी अप्लाई किया है। अब बारी है सब कुछ सेट करने की। मैं यहाँ मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। ये टिंटेड कलर में आते हैं तो डे टाइम में बिल्कुल भी ओवर नहीं दिखते और परफेक्टली आपके मेकअप बेस को सेट करते हैं। ब्रश लगाने में, उसे ब्लेंड करने में टाइम लग गया, इसलिए मेरे अंडर आईज ना थोड़े से क्रीज आ जाते हैं। जनरली जहाँ पे आपकी फाइन आइज होते हैं वहाँ पे इजीली क्रीज आ जाते हैं अगर आप सेट नहीं करते हो तो। तो पहले ब्लेंड कर लिया अपने क्रीज लाइन को, देन मैंने ब्रश में थोड़ा सा पाउडर लिया है। या तो आप बेकिंग कर लो, अदरवाइज आप इस तरीके से ना टैप टैप करते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं लूज पाउडर। इससे ना हमारा जो कंसीलर फाउंडेशन अच्छे से पाउडर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लॉक हो जाता है जिससे, और मैंने देखा है ना आफ्टर मेकअप कम से कम क्रीज लाइनें आती हैं। यस, क्योंकि मेरा टी जोन सबसे ज्यादा ऑयली एंड स्वेटी है तो मैं वहाँ पे अच्छे से टैप टैप करते हुए कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ गाइज। और रेस्ट ऑफ द फेस मैं एक फ्लफी ब्रश का यूज करूंगी कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के लिए। इससे मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और मेरा फेस ओवर ड्राई नहीं होगा। अगर आपको स्वेट वगैरह ज्यादा आता है तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर के जगह पे लूज पाउडर का यूज करना चाहिए। इस पॉइंट पे अगर आपको क्रीम ब्लश ज्यादा लगे तो उसे आप ठीक भी कर सकते हो लूज पाउडर की हेल्प से। एल्फ का मैट फिनिशिंग सेटिंग्स पे यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो आई प्रिफर समटाइम ओनली मैट। थोड़ा डिस्टेंस में रख के स्प्रे किया है और उसे मैंने एयर ड्राई कर लिया है कम्प्लीटली। यहाँ मेरा मेकअप बेस कम्प्लीट हो चुका है बट मैंने अपने नेक पर कुछ नहीं अप्लाई किया है, वो क्यों आगे बताती हूँ। लॉरियल का इनफिलिबल फाउंडेशन कॉम्पैक्ट मैंने लिया था। इतना बेकार पैकेजिंग है इसका कि ये हमेशा टूटता रहता है गाइज, लगाने से ज़्यादा ये टूट टूट के ख़त्म हो जाने वाला है। इसका शेड भी इतना वियर्ड है, ये शेड मेरी स्किन से बहुत लाइटर है और पहले मैंने एक और शेड लिया था वो बहुत ही डार्क हो गया था। तो इट वॉज वेरी बैड परचेज ऑफ माइन गाइज। पहले मैंने अपने नेक को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है, अब अप्लाई करेंगे अपना टूटा फूटा लॉरियल का पाउडर फाउंडेशन एंड पफ की हेल्प से जो इसके साथ ही आता है। ये एप्लीकेशन इसका बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा है अभी इसको गले में लगा लगा के खत्म करूंगी। वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट लिया है विद एंगलर ब्रश के साथ। और अपने आईब्रोज को शेप देने का सबसे सही एंड आसान तरीका है कि अपने नेचुरल आईब्रो के शेप को ही फॉलो किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना लगे। और कितना डार्क और कितना लाइट रखना है अपने आईब्रोज को वो टोटली आपके ऊपर है। सबसे पहले मैंने इस शेड को पिक किया है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश पर, ये फ्लफी ब्रश है गाइज, और इसे हमें अप्लाई करना है अंडर क्रीज लाइन और पूरे आईलिड पे से अप्लाई करेंगे। देन क्रीज लाइन को हम सर्कुलर मोशन पर ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो कोई लाइटर शेड भी ले सकते हैं बट मैंने अपने ब्रश को क्लीन कर लिया था उसके बाद ब्लेंडिंग की थी। आउटर वी पर ब्लैक आई शेडो ब्लेंड करना है इस तरीके से, तो मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, उसमें लिया है ब्लैक आई शेडो और उसे हमें आउटर वी पर इस तरह से पहले प्लेस करना है। पहले वाले फ्लफी ब्रश के साथ हम इसे ब्लेंड कर लेंगे सर्कुलर मोशन पर अंदर की तरफ। इसे हमें 2 से 3 बार करना है जब तक हमें डिजायर शेड नहीं मिल जाता आउटर वी पर। जब भी आप ब्लैक आई शेडो को अप्लाई करते हैं, उसे ब्लेंड करते हैं ना, तो मेक श्योर थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिए, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करिए, वरना जो मैस होगा ना उसे आप ठीक नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट मैं एनके का आई शेडो पैलेट से इन दोनों शेड को अप्लाई करूंगी अकॉर्डिंग टू माई आउटफिट। इस तरह से हमें दोनों आई शेडो के कलर को मर्ज करना है। इसके लिए लेना है हमें स्पॉन्ज ब्रश। पहले मैंने पिक किया है पर्पल शिमरी शेड और उसे हमें मिडल आईलिड पर अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा शेप देते हुए अप्लाई करेंगे, बिल्कुल इनर कॉर्नर पर नहीं लेके जाएंगे। देन हम पिक करेंगे ब्लू शिमरी शेड और इसे हमें अप्लाई करना है पर्पल शिमरी शेड के जस्ट ऊपर इन द मिडल। दोनों आई शेडो के कलर को हमें इस तरीके से मर्ज करना है कि कोई भी हार्श लाइन दोनों के बीच में ना हो। दोनों कलर का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिख रहा था। देन मैंने पॉइंटेड ब्रश पर पहला वाला आई शेडो शेड लिया है और आउटर वी को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सेम शेड को हम लोअर आईज पर भी अप्लाई करेंगे, ब्लेंड करेंगे, देन अप्लाई करेंगे काजल अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर और काजल को हम ब्लैक आई शेडो से स्मज कर लेंगे।
आईज को डिफाइन करने के लिए थिन लाइनर अप्लाई किया है, देन अप्लाई किया है मस्कारा अपर लोअर लैशेस पर अच्छे से, एंड देन स्टिक किया है फॉल्स लैशेस। मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का रॉयल फॉल्स लैशेस स्टिक किया है गाइज। कॉन्टोर की जगह पर मैं ब्रॉन्जर का यूज करूंगी और बहुत ही लाइट अप्लाई करने वाली हूँ। फिंगर के हेल्प से बहुत ही सिंपली मैंने अपने नोज को शेप दिया है, देन ब्रश की हेल्प से ना, ये एम्प्टी ब्रश है, और उससे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। बड़ा ही नेचुरल लगता है और बहुत अच्छा शेप भी दिखता है। सेम फिंगर का यूज करके हम शेड को अपने चिक बोन्स पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे और इसे एम्प्टी ब्रश की हेल्प से ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे गाइज। इस तरीके से आप परफेक्टली एफर्टलेसली कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं, तो ये ट्रिक बिगनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो सेम हम दूसरे साइड पर भी करेंगे, फिंगर का पहले यूज करेंगे देन ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से जब आपको परफेक्ट शेप मिल जाए तो कितना ड्रामेटिक और कितना सिंपल नेचुरल रखना है ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ हल्का सा ब्रॉन्जर मैंने अपने फोरहेड पर अप्लाई किया है, अपने जॉ लाइन पर अप्लाई किया है, दैट्स इट। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ग्लो ब्लश पैलेट। ये हाइलाइटर एंड ब्लश दोनों का काम करता है। क्रीम ब्लश तो पहले ही मैंने अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ से मैंने इस पिंक शेड को लिया है और एज ए हाइलाइटर की तरह ना इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना नेचुरल, कितना गुलाबी शाइन ऐड हो गया है मेरे चिक बोन्स पर। एंड सेम पिंक शेड को मैं अपने नोज पर और चिन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। देन पिक किया है गोल्डन शेड पॉइंटेड ब्रश पर और इसे अप्लाई करना है अंडर आईब्रोज और इस तरह के आई लुक पर ना, इनर कॉर्नर पर जो है हाइलाइटर अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा हाइलाइटर नोज ऑफ द बेस पर अप्लाई किया है एंड अपर लिप पर। लिपस्टिक अप्लाई करने के पहले लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, और मैंने अपने लिप लाइनर को थोड़ा थिक रखा है। उसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी जस्ट हर्ब का। मैंने इनके मिनी लिक्विड लिपस्टिक मंगाए थे सेट ऑफ 5 का, तो इसमें से जो मेरा शेड मैंने आज अप्लाई किया है वो फूशिया पर्ल है। ब्यूटीफुल शेड है गाइस, मिडिल पे इसे अप्लाई किया है और फिंगर की हेल्प से इसे टाटअप करते हुए ब्लेंड कर लिया है, दैट्स इट। यहाँ मेकअप कम्प्लीट हो जाने के बाद मैं एक बार फिर सेटिंग स्प्रे का यूज कर रही हूँ, जिससे मेरा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। तो इसे जस्ट स्प्रे करना है और इसे नेचुरली ड्राई होने देना है गाइज, टच बिल्कुल नहीं करना है। आप किसी भी मेकअप फिक्सर को एक से दो बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बिंदी एंड हल्के फुल्के ज्वेलरी के साथ मैंने ये लुक कंप्लीट किया है एंड आज बहुत दिनों के बाद साड़ी पहन रही हूँ। साड़ी पहनना बनता है गाइज, फेस्टिव सीजन है। आज हेयर बन बनाया और फ्रंट पर हल्का सा कर्ल किया है। कर्ल करने के लिए मैंने स्मॉल वाले कलर का यूज किया है, बड़े वाले से ये हो नहीं पाएगा। तो यस, मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। प्रोडक्ट के सारे लिंक विद शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो चेक जरूर करें। और हाँ, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें, इंजॉय करें। दिल से धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।